कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका है। केजीएफ चैप्टर 2 में यश की धमाकेदार भूमिका। अधीरा संजय दत्त ने सिर्फ 2 दिनों में 240 करोड़ रुपए कमाए। मास एंटरटेनर केजीएफ चैप्टर 2 का क्रेज रिलीज के कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गया था। रॉकस्टार यश और संजय दत्त अभिनीत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 2 दिनों में 240 करोड़ रुपए का संग्रह के साथ एक ठोस प्रभाव डाला है, जिससे ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। द रॉकिंग स्टार यश की बहुप्रतीक्षित केजीएफ चैप्टर 2 आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म हिंदी में 100 करोड़ रुपए के क्लब में अपनी जगह बनाने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है, जो विशिष्ट होने के लिए 2 दिनों में 46.79 शुद्ध, 55.21 सकल, कुल 100.74 नेट है। फिल्म ने महज 2 दिनों में 240 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो किसी भी फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा कमाई है। ये फिल्म की सफलता का एक सच्चा प्रतीक है, क्योंकि ये किसी भी सीमा तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसने कर्नाटक में कन्नड़ फिल्म के लिए और किसी भी भारतीय फिल्म के लिए केरल में अब तक का सबसे अधिक 2 दिन का संग्रह किया है। इसके अलावा रॉकिंग स्टार यश के जादू ने अभी तक सबसे ज्यादा 2 दिन का कलेक्शन करने वाला सिंगल स्टार बनकर अपना आकर्षण दिखाया है। 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में राष्ट्रव्यापी रिलीज केजीएफ अध्याय 2 प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो सबसे अधिक मांग वाले निर्देशकों में से एक है और विजय किरांगदूर द्वारा निर्मित होमले फिल्म्स के तरह बनी है। उभरते हुए अखिल भारतीय प्रोडक्शन हाउसों में से एक होमले फिल्म्स अगले 2 वर्षों में भारतीय सिनेमा में कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रभास अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार भी शामिल है। फिल्म को उत्तर भारतीय बाजारों में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक्सेल ने दिल चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो और गली बॉय जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ यहीं इसी चैनल पर। तो इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।